Welcome to Stock Markets with KR. your Daily Market Analysis mein. and today, as always, let's first take a look at Nifty and the top stocks in numbers, and then we look at the charts. So starting things off, we can see Nifty has closed just at 17,500. Do I don't think kuch farak hai. so. We've closed right around 17500 and the market is up around 1%, almost 200 points. I think this is a very healthy climb. अनटिल हम लोग चार्ट देखते हैं क्योंकि चार्ट देखने के बाद ऐसा लगेगा कि ये क्या हुआ है इट्स नॉट एज यू फॉर इक एज पीपल माइट आई थिंक इट इज़ सो अगेन चार्ट्स जब आएंगे तब देखेंगे बट वी कैन सी वंस अगेन द हाई एंड द क्लोज आर वेरी 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 क्लोज सो हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंड हाफ में अगेन वी सॉ दैट क्लाइंबिंग स्टिल आई थिंक इट्स गोइंग ऑन फॉर आई थिंक एक डेढ़ हफ्ते से चालू है लो हम लोग देख सकते हैं इज थ्री एटी सेवन आई थिंक दैट्स अ फेयर लो वी इफ यू रिकॉल हम लोग ने कल टू हंड्रेड के आसपास का लो देखा था इफ मेमरी सर्व्ज मी राइट सो दैट्स ऑटोमेटिकली अ वेरी बिग जम्प विच इज़ यू नो अ गुड थिंग अगर हम लोग आगे ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस पर देखते हैं वी कैन सी स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैलमोस्ट एज वेल एज निफ्टी हैज सो so, कोई एकदम डिस्पैरिटी नहीं है हम लोग देख सकते हैं विक्स इज डाउन थ्री अ क्वार्टर परसेंट बीस पर आ गया है आई थिंक द पीक विक्स दैट वी सॉ दिस टाइम वाज अराउंड ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली सो विक्स भी काफ़ी नीचे आ गया है एंड दैट ऑलमोस्ट मेक्स इट अराउंड थर्टी फ्रॉम इट्स फ्राम इन फैक्ट फ्रॉम इट्स हाईज इन फैक्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे विक्स ने पीक बनाया था ऑफ थर्टी फोर आई वॉज मिस्टेक थर्टी फोर का पीक था एंड नाउ इट इज डाउन फोर्टी टू परसेंट फ्रॉम इट्स हाई सो बहुत बड़ा विक्स में भी ड्रॉप देख रहे हैं हम एंड नेचुरली दिस नेचुरलीट्स बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट्स चेंजिंग स्टेबलाइजिंग एंड ऑब्वियसली मार्केट भी अभी थोड़ा मतलब बोल रहा है कि ठीक है रात गई बात गई अगर हम लोग बात करते हैं सेक्टर्स की दैन सेक्टर्स में वी कैन सी फॉर द मोस्ट पार्ट सारे सेक्टर्स पॉजिटिव ही है सिर्फ मेटल्स डाउन है ऑयल एंड गैस डाउन है हेल्थ केयर डाउन है फार्मा डाउन है बाकी सारे अच्छे ही कर रहे हैं एंड वी कैन सी बैंक ऑल्सो हैव डन फेयरली वेल इन फैक्ट परफॉर्म निफ्टी टू एंड उसमें भी वी प्राइवेट बैंक्स हैव डन इवन बैटर वन एंड हाफ परसेंट अप सो वो ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे वी गेनर्स और लूजर्स में एच डी एफ सी लाइफ इज द टॉप गेनर एंड वी कैन सी अदर स्टॉक्स है और ओवरऑल अच्छा है है लूजर्स में भी काफी हेल्थी आई वुड से बिकॉज ओ एन जी सी एज फॉल फाइव परसेंट गवर्नमेंट इज सेलिंग वन एंड हाफ परसेंट स्टेक वी आर ओ एफ एस सो ओ एफ एस अगर आपके पास ओ एन जी सी है यू माइट यू माइट यू नो गेट दैट थिंग कि चलो एड करूँ मैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दो एफ एस इज सो लेट्स सी कैसा है और इवन इफ यू डोंट हैव ओ एन जी सी मे बी दी ओ एफ एस प्राइस विल बी गुड आई क्या प्राइस अराउंड बट मे बी द प्राइस विल बी गुड सम वन माइड से ही ठीक है उठा लेते हैं नॉट अ बैड आइडिया राइट सो वो है आई मीन मे बी दैट्स वाई ऑयल एंड गैस इन जेनर एज ग डाउन एज वेल सो ये रहे स्टॉक्स हमारे दिन के एंड इफ वी टॉक अबाउट निफ्टी स्टॉक्स देन दिस इज द लिस्ट सो वी कैन सी रिलायंस डन वेरी वेल ट्वेंटी सिक्स सेवेंटी अगर आपको याद है दिस इज राइट एट दैट रेजिस्टेंस एंड दिस इज वाई रिमेंबरिंग द जोन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि सिर्फ नंबर देख के हमें पता चल जाता है नेक्स्ट आप यू गॉट बजाज फाइनेंस लुकिंग गुड एच डी एफ सी बैंक है ना आई सी आई सी आई बैंक सो ओवरऑल प्रटी गुड डे हम लोग देख सकते हैं मेटल्स आर दू नो मेन ड्रैगर अगर हम लोग चार्ट पर आते हैं चार्टी कैन सी दैट दिस इज द हाएस्ट क्लोज फॉर निफ्टी सिंस दिसब हाइस्ट क्लोज वेरी स्ट्रॉन्ग साइन हम लोग देख सकते हैं ये रिकवरी ऑलमोस्ट वी शेप की हो गई एंड आई वुड से वनस अगेन अराउंड सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट हंड्रेड को अगर होल्ड करता है i feel this recovery has a good chance of sustaining unlike something that we saw here gaya, ki, wow market is back ath levels dekhenge, and then it uh, you know sort of disappointed everyone and fell flat so unless 16800 i don't think that's likely If we intra moves ki, then we can see गैप अप के बाद नीचे गया था इन दिस वॉज अ लिटल डिसीविंग बिकॉज आई एम श्योर मेनी पीपल को लगा होगा कि ठीक है भाई गैप अप हो गया अभी नीचे गैप फिल करके मे बी समय अराउंड हेयर से सपोर्ट लेगा और दैट इज नॉट वॉट हैपन वी सॉ गुड सपोर्ट फ्रॉम थ्री नाइन्टी सी सो फोर हंड्रेड को ही एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद ऊपर गया यू नो थोड़ा सा वॉलेटाइल मूवमेंट्स दिए स्पेशली दिस मूव वॉज वेरी वॉलेटाइल आई वुड फील क्योंकि थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा था वन वुड हैव एक्सपेक्टेड कि ठीक है साइडवेज मूवमेंट ही रहा है अब तक फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द डे सो थोड़ा गिर के शायद ऊपर नीचे जाएगा बट दैन इट फेल वेरी शार्पली एंड देन इट ऑल्सो रिकवर्ड सो ये एक काफ़ी शेकआउट टाइप का मूव था एंड आफ्टर दैट वी सॉ दैट राइज एंड देन फॉल अगेन सो चॉपी डे बट आई फील इट इट स्टिल शोज की बुल्स सीम टू बी इन कंट्रोल बिकॉज हम लोग देख रहे हैं थ्रू आउट द डे हम लोग हायर लोज देख रहे हैं सो दैट इज़ अ गुड साइन सो वो है मेरा व्यू फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोग देख सकते हैं uh, like. सो है, so, देखते हैं कैसा जाता है प्रीवियसली uh, uh, you know, देखा था थर्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड के आसपास सो लेट सी अगर वो सस्टेन कर पाता है कि नहीं लुकिंग गुड सो फार हम लोग इसको ऑलमोस्ट एक कप पैटर्न टाइप का भी बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल एंड मे बी इट गिव अ ब्रेकआउट एंड इफ इट डज देन आई एम श्योर ट्विटर पे लोग छा जाएंगे बोलेंगे मैंने बोला था देखो बट दैट्स वॉट ट्रेडिंग इज अबाउट आई गेस जोक्स अपार्ट टॉप स्टॉक्स पे आते हैं वेरी स्ट्रांग मूव बाय रिलायंस टूडे और हम लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट टू परसेंट अप एंड दिस इज द रेजिस्टेंस वी व टॉकिंग अब सो ये वाला जो, जो जोन था एक पहले एक पुल बैक देखे ये जो ए से नीचे आया था यहाँ पे एक थोड़ा सा उसने पुल बैक दिया था देन इट फेल डाउन सो दिस इज ऑल्सो रीजन वेर सेलर्स माइट बी चिलिंग इफ दे डोंट देन आई थिंक रिलायंस विल बी वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक्स जो एक्चुअली इतनी मंदी के बाद ए बना रहा है सो लेट्स सी वेरी क्यूरियस टू सी दैट हैपनिंग नेक्स्ट आप वी गॉट एच डी एफ सी बैंक रेड जोन के ऊपर रहा है दैट्स अ गुड साइन नेक्स्ट स्टॉप ऑब्वियसली वुड बी अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड और सो इन माई व्यू सो फोर्टीन नाइनटी थ्री का रेजिस्टेंस जो लग रहा है आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा टर्बुलेंस फेस करेगा एंड देन फिफ्टीन हंड्रेड के आसपास अगर फिफ्टीन थर्टी क्रॉस करता है देन आई फील दैट स्ट्रेंथ विल बी गेंड आई थिंक देन वी कुड इन फैक्ट एक्सपेक्ट क्लोजर टू थर्टी एट थाउजेंड लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो आई वुड से क्योंकि काफ़ी बड़ा जंप आ जाएगा एंड नेचुरली बाई देन अगर वो होता है तो सेंटीमेंट्स भी थोड़े से ईज हो जाएंगे सो so, वो एक चीज है इन्फोसिस में वी हैव सीन ऑफ ब्रेक ऑफ दैट कंसोलिडेशन ऑन दी अपसाइड बट ये डिसाइसिव ब्रेक जरा भी नहीं है बिल्कुल डिसाइसिव नहीं है बट फिर भी इट्स डेफिनेटली अ ब्रेक सो नाइनटीन हंड्रेड के ऊपर है आई थिंक नाइनटीन हंड्रेड के ऊपर सिर्फ दो कैंडल क्लोज देखे हैं हम लोग ने आई uh, बिलीव नहीं तीन कैंडल क्लोज देखे ये एक था ये एक था और ये एक था सो मे बी दिस इज द फोर्थ कैंडल क्लोज अबाव नाइनटीन हंड्रेड वेरी इंप्रेसिव साइन लेट्स अगर कल एक फॉलो थ्रू मूव आता है कि नहीं टी में हम देख सकते हैं दैट गुड बाइंग फ्रॉम लोअर लेवल्स लेवल हंड्रेड वन सेव सीन इट सॉर्ट ऑफ लैचिंग ऑन टू दैट लेवल इज अ गुड साइन इंट्रा चार्ट कुछ ऐसे दिख रहा है सो so स्टार्टिंग में शुरुआत में बहुत सेलिंग देखी इनफैक्ट द रेंज ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज प्रिटी एंटायर रेंज ऑफ द रेस्ट ऑफ द डे स्टिल फाइन ओवरऑल नॉट अ बैड डे रिवर्सल ट्रेड्स आई में मैंने एक चीज देखी आई में रिवर्सल ट्रेड्स कैन जस्ट मेक यू समटाइम्स यूंग डे सो so वो एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर कर सकते हो अगर करनी है तो फॉर एच डी एफ सी वीर सींग इट यू नो होल्डिंग अबव दैट ब्लू कलर का सी ग्रीन कलर का जो जोन है हमारा वो एंड दैट ऑल्सो मीन्स की वो चौबीस सौ के क्लोजर आ रहा है एंड दैट ऑब्वियसली मीन्स कि ये वाला जो, जो जोन है ट्वेंटी फोर फोर्टी से लेकर सिक्सटी तक का आई थिंक दैट जोन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट क्योंकि वो जोन ऑलरेडी दो तीन बार फेल हो चुका है सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टू सी कि क्या वो जोन होल्ड कर पाता है कि नहीं आईसीआईसीआई बैंक वेरी डिसाइसिव कैंडल कल हम लोग ने बात की थी कि मे बी थोड़ा सा आ रहा है बट स्टिल नॉट क्वाइट वेल टुडे इट्स शोड दैट जितना भी उसको दिखाना था सब दिखा दिया एंड नाउ इट्स अबाव सेवन थर्टी सेवन फोर्टी के आसपास वो जो हमारा एक्सटेंशन है उसका लेवल है बाय द वे क्यूरियस की फिब एक्सटेंशन कैसे मैंने डाले हैं देन आई डू रेकमेंड चेकिंग आउट द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट शुड हैव इट If it's not the first link, then definitely one of the few लिंक्स दैट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन उसमें आपको मिल जाएगा एंड इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन ट्रेडिंग व्यू देन ट्रेडिंग व्यू में आई कॉन्ट शेयर दोज लिंक्स इन इफ यू गो टू द यूट्यूब चैनल विच इज लिंक्ड ऑन माई ट्रेडिंग व्यू आपको मिल जाएगा सारी जानकारी नेक्स्ट आप कोटक बैंक फाइनली आफ्टर लाइक यर्स एंड योर्स वी आर सींग गुड मूव यस एंड योर्स लाइटली बोल रहा हूँ कोई सीरियसली मत बोलना कि भाई क्या बोल रहा है तू इतने साल से ऐसा तो यहाँ पे है बट नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर सींग गुड मूव बाय कोटक बैंक हम लोग ने देखा था कि पिछला ग्रीन कैंडल इट सेल्फ वॉज ऑन ट्वेंटी सेकेंड मार्च वन वीक बैक सो डेफिनेटली अ वेरी इंप्रेसिव मूव ओवरऑल और पॉसिबली अ केस ऑफ दैट लिफ्टिंग टाइड्स रेज ऑल बोट्स और समथिंग इज सेंग बाई यू आर लाइक ही कोट्स दैट ऑफन सो मे बी वैसा कुछ हुआ है बट इधर वे ऊपर है भाव विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट ओवरऑल एस बी आई इज सॉर्ट ऑफ कंसॉलिडेटिंग मे बी फाइव हंड्रेड के ऊपर जाने की स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो uh, अगर हम लोग देखते हैं इन कैंडल के विक्स को देन इट डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट एनी पैटर्न बट हम लोग अगर देखते हैं लेट्स से लाइन चार्ट को या लेट्स से जस्ट द कैंडल बॉडीज को देखते हैं देन वी कैन सी इट्स काइंड ऑफ फॉर्मिंग अ फ्लैग पैटर्न सो दैट वुड बी यू नो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टू सी एक्सिस बैंक में हम लोग देख सकते हैं डिड एक्सेप्शनली वेल बट सेवन सिक्सटी का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा भारी पड़ गया एंड एज अ रिजल्ट वी सॉ एट सेलिंग ऑफ सो देखते हैं कैसा जाता है वन ऑफ़ द फ्यू बैंक्स दैट हैज़ एक्चुअली कम डाउन सिवियरली आफ्टर मेकिंग अ हाई सो ओवरऑल इनिशियल मोमेंटम अच्छा था दैट लीड्स मी टू बिलीव कि शायद कुछ स्ट्रांग चीज़ हुई थी एंड मे बी इट्स बिकॉज ऑफ एक्वायरिंग सिटी बैंक ऑपरेशन की यू नो व्यू स्टार्टिंग में अच्छा था एंड देन आई थिंक मे बी वैन द डील अमाउंट वॉज अनाउंस नहीं थोड़ा गिर गया और वॉट आई एम नॉट श्योर बट इधर वे इट लुक्स गुड नाउ अगर आपको थियोरेटिकली uh, जानना है तो थियोरेटिकली जो भी सिटी बैंक का कैश बैलेंस है आई थिंक वन पॉइंट एट बिलियन अगर कैश डील है तो देन ओके आई जस्ट एप्ट वायर से जो भी कैश बैलेंस है उनका वन पॉइंट एट बिलियन या कुछ उतना डिक्रीज होगा और जो भी एसेट्स है सिटी बैंक के वो जो डिविजन के दे इम ऑन द बैलेंस शीट सो ऑब्वियसली अगर वो डिफरेंशियल अमाउंट ज़्यादा है

That's it for this one. See you in the next. Hope you have a great Thursday expiry tomorrow. Take care. Happy trading. Happy analysis.